हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सीपीएल टीम प्रीव्यू। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बारे में। ये टीम जिसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस सीज़न में, और उसका रीज़न ये है कि जो सारे मैचेस जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक ही ग्राउंड पे खेले जाने वाले हैं, वो है वॉर्नर पार्क वेस्ट इंडीज़ में, वो इनका होम ग्राउंड है। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टेडियम में सारे मैचेस खेले जाने वाले हैं करीबन प्रीमियर लीग के, वो इस टीम का अपना होम ग्राउंड है। इस वजह से उनके पास बाकी सारी टीमों से हल्का सा ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। अगर मैं इनकी टीम के बारे में भी आपको बताऊं तो इनकी टीम भी कमज़ोर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर्स। दोबारा जैसे मैंने आपको बारबाडोस रॉयल्स के बारे में बताया था, वैसे ही ये टीम भी ऑन पेपर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको पूरी इनका स्क्वाड बता देता हूँ, आपको स्क्वाड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनकी टीम में है एविन लुइस, फेबियन एलन, डेवन थॉमस, जॉन-रस जगीर, शेल्डन कॉटरेल, डोमिनिक ब्रेक्स, शेरफिन रदरफोर्ड, क्रिस गेल, रायड एमरिट, जोशुआ डी सिल्वा, कॉलिन आर्किबॉल्ड, ड्वेन ब्रावो, माइल लुइस, पॉल वैन मीकरम, रवि बोपारा, फवाद अहमद, आसिफ अली। इनकी टीम अगर मैं बताऊं तो इनके जो स्पिनिंग यूनिट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसा मैंने आपको बार बार बताया है कि जिस टीम के पास ज़्यादा अच्छे स्पिनर होंगे वो टीम ज़रूर हमें इस टूर्नामेंट में अच्छा करते हुए दिखेगी। इनकी टीम में बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल बैलेंस्ड है, चाहे वो एविन लुइस हो या फिर क्रिस गेल हो, इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एविन लुइस जो बहुत ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है, ओवरऑल सीपीएल रिकॉर्ड भी अगर आप इनका उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ ही ओपन करते हुए दिखते हैं अपनी टीम के लिए, और ये हमें अच्छा अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट देते हैं, पावर प्ले का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी खिलाड़ी बन जाते हैं अपनी टीम के लिए। उसके बाद मैं आपको अगले खिलाड़ी के बारे में बताऊं तो वो है फेबियन एलन। उनके ऑलराउंडर जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बॉल भी अच्छी डालते हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें अपनी टीम को फील्डिंग से देते हैं वो शायद ही इनसे अच्छा कोई और फील्डर हमें देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज़ के ओवरऑल सर्किट में। हमने इनको IPL में भी बहुत ज़्यादा अच्छी फील्डिंग करते हुए देखा है, कैचेस बहुत अच्छी पकड़ते हैं, तो उस वजह से ये अपनी टीम के लिए बहुत बड़े एसेट बन जाते हैं, क्योंकि ये एक थ्री डायमेंशनल प्लेयर है। ये बैट के साथ भी आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे लोअर डाउन दी ऑर्डर आके, साथ ही फील्डिंग में भी आपके लिए आपको बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, और ये बॉल के साथ तो बहुत अच्छी बॉल डालते ही हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, किसी भी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर का होना उस टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पास यूनिवर्स बॉस भी हैं क्रिस गेल, सारी वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, बचपन से वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है इस स्टेज पे, और उनके लिए तो एक तरीके से जैसे उनका टैगलाइन है पार्टी होना करीबन प्रीमियर लीग के दौरान, तो क्रिस गेल तो ठीक वही करते हुए हमें दिखेंगे, बड़ी पारियां खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हम सबको पता है, वो हमें ज़रूर ओपन करते हुए दिखेंगे अपनी टीम से। उसके अलावा इनके पास और भी खिलाड़ी हैं, जैसे शेल्डन कॉटरेल अपनी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में अच्छी बॉल डालते हैं, स्लोअर वंस कटर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल भी करते हुए हमें दिखेंगे, और इनके पास और शेरफिन रदरफोर्ड IPL एक्सपीरियंस भी, उनको अच्छे खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ ये भी ऑफ कटर्स वगैरह के लिए बहुत जाने जाते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमें ज़्यादातर मैचेस खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनका ओवरऑल जो रिकॉर्ड अगर आप CPL का देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ इनके पास रवि बोपारा भी हैं, जिनका 100 में हमने देखा अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनका ओवरऑल जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें परफॉर्म हमें करते हुए दिखते हैं। उसके अलावा इनके पास फवाद अहमद हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग डालते हैं, इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, मैंने एक वीडियो करी आप वो ज़रूर हमारे चैनल पे देखें, टॉप 10 बॉलर्स विद द लोएस्ट इकोनॉमी इन CPL, उसमें भी फीचर करते हैं फवाद अहमद। साथ ही साथ अब अगर इनकी मेन खिलाड़ी जो इनको मैं इनका ट्रम्प कार्ड भी मानता हूँ है ड्वेन ब्रावो। जी हाँ दोस्तों, ड्वेन ब्रावो भी इनकी टीम में ही है, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लाजवाब बॉलिंग करते हैं, CPL में हमें बैटिंग करते हुए भी दिखेंगे, अप दी ऑर्डर उतना नीचे नहीं खेलेंगे जितना IPL में खेलते हैं, लेकिन जी हाँ काफ़ी ऊपर हमें बैटिंग करते हुए ये भी हमें दिख सकते हैं। और इनके अलावा अगर मैं इनकी आपको इनकी भी टीम का एक डार्क हॉर्स बताऊँ, जैसे मैंने बाकी प्रीव्यूज़ में भी हर टीम का एक
डार्क हॉर्स आप लोगों को बताया है, तो इनकी टीम का जो डार्क हॉर्स है वो मेरे को पर्सनली लगते हैं एविन लुइस। एविन लुइस अगर अच्छा स्टार्ट देंगे अपनी टीम को तो उनकी टीम ज़रूर हमें अच्छा करते हुए दिखेगी इस CPL में। और जैसा मैंने आपको बताया था, थोड़ी स्लोएस्ट विकेट्स हैं, स्लगिश विकेट्स हमें देखने को मिलेंगी। उसका फ़ायदा जो एक चीज़ जो सेंट का किट्स एंड नीव्स पेट्रियट्स की तरफ जाती है वो है कि वो उनका होम ग्राउंड है, और ये उनको स्लाइटली बाकी सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि सारे मैचेस वहीं खेले जाने वाले हैं, तो उनको ज़्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। CPL अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों की बात रह गई है कि हमें CPL देखने को मिल जाएगा। और हम बाकी टीम के प्रीव्यूज़ भी आपको हमारे लीग 11 की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके उन्हें देखें। CPL से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलेंगी, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन की दबाना ना भूलिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इस टीम में कौन सा खिलाड़ी आपको डार्क हॉर्स लगता है उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की इस टीम प्रीव्यू में सिर्फ इतना ही, और वीडियोस लेके मैं आपके साथ ज़रूर दोबारा आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शाश्वत सर।